चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं टाटा के Active.EV प्लेटफॉर्म के बारे में, जो उन्होंने टाटा पंच ईवी के साथ शुरू किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये Active.EV है क्या। यह है एडवांस्ड कनेक्टेड टेक इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर। मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको एडवांस्ड कनेक्टेड टेक के साथ कैसे जोड़ने वाले हैं, वही एक Active.EV का बेस है। सो जो बेसिक चीज़ें जिस पे ये वर्क करने वाले हैं वो है गाड़ी की परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी, मॉड्यूलैरिटी और स्पेस एफिशिएंसी। तो यहाँ पर मिलेगा हमें एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड प्योर इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर। लेयर वन होने वाली है पावर टेरेन, लेयर टू इसकी चेसी आएगी, लेयर थ्री में इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर और लेयर फोर में क्लाउड आर्किटेक्चर। लेयर वन पावर टेरेन जिसमें कि यूज़ होंगी इनकी बैटरी सेल्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड पे टेस्टेड बैटरी सेल्स इसमें यूज़ होने वाली है, जिससे कि वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी जो है वो 10% इम्प्रूव हो जाती है। मल्टी रेंज ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको 300 से 600 किलोमीटर तक की रेंज ये ऑफर करेगा। इसमें हमें मिलने वाली है प्रोपोर्शनल फ्रीडम, जिसमें हमें ऑप्शन मिल जाएंगे फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। तो टाटा हमें तीनों ही पावर ट्रेन्स में प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में देने वाला है। 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग हमें मिलने वाली है। जिससे कि सिर्फ 10 मिनट चार्ज होने पे गाड़ी की रेंज हमें 100 किलोमीटर के अराउंड मिल जाने वाली है। नाइस। सुपीरियर थर्मल एंड वेट। तो फिर चेसी जब आ जाती है तो हम ऑलरेडी टाटा के इतने सारे प्रोडक्ट्स में देख ही चुके हैं, इनके प्रोडक्ट्स हमेशा सेफ रहते हैं और लगभग हर गाड़ी 5-star ग्लोबल एनकैप में स्कोर करती है। मैक्सिमाइज्ड कैबिन स्पेस पे काम होने वाला है फ्लैट डोर विदाउट ट्रांसमिशन टनल, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है। इसमें स्टोरेज मैक्सिमाइज कर दी गई है, जिसमें हमें फ्रंट में मिलेगा, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, फ्रंट में जो हमें छोटा सा ट्रंक मिलेगा वो, और नो कॉम्प्रोमाइज बूट वॉल्यूम। जो यूजुअली ईवी गाड़ियों में बूट थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। क्लास लीडिंग ऑक्यूपेंट एर्गोनॉमिक्स मिलेंगे हमें, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इंप्रूव्ड हैंडलिंग। लेवल 3 इसका जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है, इसमें मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हमें स्नैपड्रैगन पे बेस्ड डिजिटल चेसी मिलने वाली है। तो स्नैपड्रैगन ऑलरेडी हम स्मार्टफोन्स में यूज़ करते आ रहे हैं, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स हमें पता है वर्ल्ड के बेस्ट प्रोसेसर्स में से आते हैं, तो हमें परफॉर्मेंस वाइज कोई इशू नहीं रहने वाला। हमें एडास मिल जाएगा। एडास अभी पंच ईवी में तो नहीं है, बट आगे ये जैसे हैजर ईवी लेके आने वाले हैं या फिर और जो प्रोडक्ट्स इनके बड़े आने वाले हैं ईवी पे बेस्ड, तो उन सब में हमें एडास वगैरह मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक्सपेंडेबल एडास लेवल 2। 5G कनेक्टेड टेक रहने वाला है, बायोडायरेक्शनल चार्जिंग कैपेबिलिटी मिल जाएगी। बायोडायरेक्शनल का मतलब हो गया, मतलब ये खुद तो चार्ज होगी ही होगी, बट इन केस अगर इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ जाए कि इस गाड़ी से कोई दूसरी गाड़ी चार्ज करनी पड़े, तो वो भी आप कर पाएंगे इस गाड़ी से। तो इमरजेंसी सिचुएशन में काफ़ी काम आने वाली चीज़ हो जाएगी। व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग हमें मिल जाएगी, एडवांस OTA अपडेट कैपेबिलिटी, फर्मवेयर। लेयर 4 रहेगा इसका क्लाउड आर्किटेक्चर।
जो कि आर्किड ईवी, आर्किड डॉट ईवी, फ्यूचर रेडी ट्रू एप सूट हमें मिलने वाला है। टॉप वेरिएंट्स में मिलेगा ये। ऑलरेडी हमने ब्रोशर में देखा पंच ईवी के कि कैसे आर्किड डॉट ईवी को वो अपने गाड़ी में इंटीग्रेट करने वाले हैं। कटिंग एज कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी कि ये जो भी ईवी बेस्ड गाड़ियां होने वाली हैं वो आपस में कनेक्टेड भी रह सकती हैं। ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है कि क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी के आने से ये हो पाएगा। सो दिस इज एक्टिव डॉट ईवी बाय टाटा। नाइस। इसके अलावा टाटा पंच ईवी के साथ जो नई चीज़ लेके आया वो है इवॉल्व। ये काइंड ऑफ इनका एक कम्युनिटी ग्रुप रहने वाला है ईवी व्हीकल्स वालों के लिए, मूव टुगेदर टुवर्ड्स अ फ्यूचर बिल्ट रिस्पॉन्सिबली फॉर आवर कलेक्टिव गुड। सो टाटा के ईवी ओनर्स की एक कनेक्टेड कम्युनिटी रहने वाली है। वेलकम टू इवॉल्व। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है, कम्युनिटी ऑफ टाटा ईवी ओनर्स हु कम टुगेदर टू मूव टुवर्ड्स अ फ्यूचर। यानी कि वही जो यूजुअली कार कम्युनिटीज़ में होता है, आप साथ में एक्टिविटीज़ करते हैं, इवॉल्व कम्यून, ब्रेकफास्ट ड्राइव, सिटी कैचअप्स, प्लान्स विजिट वगैरह वगैरह। ये हम ऑलरेडी महिंद्रा के साथ देख चुके हैं, टाटा की भी बड़ी गाड़ियों में ये एक कम्युनिटी प्रोग्राम पहले से रहता है, और अभी ईवी के लिए स्पेसिफिकली ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है ईवी ओनर्स के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहिए। टेक केयर। Goodbye.